सपने शायद सभी देखते हैं, मगर उन सपनों को अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देखना सिर्फ किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और उस दिन हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। सामने एक अनजान सा शहर था जो शायद आगे चल के अपनों से ज्यादा अपना हो जाना था। आइए देखते हैं आजमगढ़ स्टेशन से शुरू हुआ ये सफर। ये सफर चलोगे भैया जरा ऑटो लेके पीजीआई जाना है। चलेगा क्या लोगे पीजीआई का? 5,000। 5,000 रुपये में पीजीआई लेके जाओगे? अरे सीपीएमटी क्रॉस करके आए हैं हम लोग पढ़ाई करके। अरे भाई लखनऊ का पीजीआई का भाड़ा कितना होता है? अरे यार लखनऊ का पीजीआई नहीं, सीपीएमटी क्रॉस करा है, मेडिकल कॉलेज जाना है हमें। मेडिकल कॉलेज लेके चलो। अच्छा ये मेडिकल कॉलेज? हाँ हाँ मेडिकल कॉलेज। चलिए आइए बैठिए। जा रहे हो सकल से तो डाकू लग रहे हो बिल्कुल यार। तुम कौन सा टाइम पास लग रहे हो? अरे तो यहाँ से शुरू हुआ एक लंबा मगर याद रह जाने वाला सफर। जिंदगी नए मोड़ ले रही थी, वक्त बदल रहा था, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अच्छा आ गया क्या? अरे यार भाई ये कहाँ उतार दिया यार हम लोगों को ऑटो में? अबे ये तो डेंटल कॉलेज दिखा हुआ है, हम लोग डेंटल कॉलेज तो मिला नहीं है ना। अबे यार देखो सही से अलॉटमेंट लेटर देखो। अबे यार सीपीएमटी पास करके आए, साफ साफ लिखा है एमबीबीएस पीजीआई। हाँ ये डेंटल कॉलेज है। हाँ यार यहाँ से हम लोगों को मालूम करते हैं। हाँ पता पता करके देखो। राहों में है यादों का पहरा, सुलगा के काली सी राह लाएंगे ये उजला सवेरा, उजला सवेरा, उजला सवेरा। शायद उस दिन जो शनिवार का व्रत छोड़ा था ना, उसकी ही वजह से शनिदेव नाराज थे। पहुंचना था हाशियाने में और आ गए कतल खाने में। खैर हॉस्टल में घुसते ही इतना तो अंदाजा लग ही गया था कि ये शांति आने वाले तूफान से पहले की है। डैड मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है डैड। वैसे तो कहने को एग्जाम तो बहुत देखे होंगे, मगर इस एग्जाम में आने वाले रोमांच का अनुमान किसी मेडिको को ही मिल पाता है। वो कहते हैं ना, ये तो आने वाली जिंदगी की एक झलक होती है। इस प्रशिक्षण में भी मुझे यही देखने को मिला। अबे ये तो नए माल लग रहे हैं अबे। चलो बे आप खड़े हो जरा, चलो बे नाला दाना शुरू करो अपना। चली को आप कहते हैं, मुझे को राग कहते हैं, और जिस राग से ये बारूद बने उसे भवरनाथ कहते हैं। मेरा नाम है गणेश गायटंडे, सीना 56 इंच, क्या समझे लोग सूर्य पाई बुलाते हैं। मेरा नाम रामपाल मीना से और हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से यहाँ क्यों चलाया अभी? अरे राजस्थान में सूखा पड़ा था तो सोचा यूपी में हरियाली देख ले। पैंट थोड़ी और नीचे करके पहन लिया होता। मैं जौनपुर से हूँ और हमारे यहाँ पैंट ऐसे ही पहन ली जाती है। किसकी उतारनी है? अबे तो बहुत ओवर स्पॉट बना है, चलो बे सब पैंट उतारो अपना। अबे अबे उतारो उतार लो बे। अबे यार प्रॉब्लम है, अंदर से चट्टी नहीं पहनी यार।
क्या क्या गुनाह किया तो लुट गए। आखिरकार हम सब अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। वो 10x8 का कमरा, अपने रूममेट से पहली मुलाकात, शायद ही कभी भूल पाए। क्या हुआ बे? अबे ये सब क्या है? फट दिया है। कहां से लिया? किसी को बताना नहीं, लाश खोद के निकाल लिया बे। अबे ऐसे कैसे निकाल ली? चाचा बताया क्या हमारे? इतनी घनी गर्मी में रजाई ओढ़े कौन सा जानवर सो रहा है ये? अरे ओ छोरे जा उठ। बस शेरवानी पहन के बिहार अचानक आया क्या? अरे यार तेरे भाई से आज तक किसी छोरी तक ने बात ना की है और तू बिहार अचानक ही बात कर रहा है। पहली बार खुशी तो तब जाके मिली जब वो चमचमाता एप्रन पहनने को मिला। हाँ जितना सोचा था उतने हैंडसम तो नहीं, मगर उस वक्त माँ सामने होती तो एक काला टीका जरूर लगा देती। क्या खा रहा है? चने खा रहा हूँ यार। थोड़े हमें भी दे दे यार। देखो सफेदी आ रही है, लगता है जरन साबुन सुना है। अबे थोड़ा किसको बे? अबे ज्यादा हचर हचर ना करो, पीछे जाके बैठो। अबे बैठने दो यार। इसी को रिकॉर्ड कर। अबे किस लड़की की फोटो देख रहा है यार, बहुत सेक्सी लग रही है। अबे वो पिक्चर देखी थी तूने? कौन सी? बीए पास, उसी में थी, कसम से दिल आ गया था। अबे हाँ लड़कियों से याद है, हमारे बैच की लड़कियां कहाँ यार? आई होंगी यार। अबे उस मांडा, Yeah, good. Thank you, sir. Okay.
अटेंडेंस हो गई तुम लोगों की? यस सर। लो अटेंडेंस लो। प्रॉक्सी तो नहीं लगाई तुम लोगों ने? पक्का? यस। 31 प्रेजेंट सर। 55 यस सर। 44 सर। फंस गए ना तुम लोग? यस। व्हाट इज योर रोल नंबर? 93 एंड व्हाट इज योर रोल नंबर? 54 हु इज 44? प्रॉक्सी लगाइए। हु इज 44? आया नहीं है? मेरी क्लास में प्रॉक्सी नहीं लगेगी। ओके या सिट डाउन। फोर इज फोर? मेडिकल एग्जाम में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। किसे पता था यहाँ हमारे बाप भी रहते हैं। तेरा प्यार चाहिदा स्वीटी स्वीटी स्वीटी, तेरा प्यार चाहिदा स्वीटी स्वीटी स्वीटी, तेरा प्यार चाहिदा स्वीटी स्वीटी स्वीटी, तेरा प्यार चाहिदा। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। बहिया में कसी के सैया, हाय दैया मार डाला रे। बहिया में कसी के सैया, मारे लो कचक कचक कचक। बहिया में कसी के सैया, मारे लो कचक कचक कचक। ए राजा 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 कोरी जमे समाजा, उठा लो तनी कोरा बेटाई खूबे मजा। ए राजा 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 याद कर जहिया कुआर रहल हो, पियावस पहिले हर बहार रहल हो। याद कर जहिया कुआर रहल हो, पियावस पहिले हर बहार रहल हो। दोस्ती के किस्सों में सबसे जरूरी हिस्सा होता है जन्मदिन का। हॉस्टल जाके ही पता लगता है हमारे पैदा होने की खुशी इस दुनिया में किसी और को भी है। कॉलेज में काटा गया वो पहला केक और पिछवाड़े पे पड़ी वो चप्पल जूतों के निशान, याद करके आंखें तो आज भी नम हो जाती हैं और दर्द फिर याद आ जाता है। जश्न
ज्यादा पैसे गायब। अरे सेलिब्रेशन है और क्या हो गया प्रकृति के काफ़ी करीब था हमारा ये कैंपस और प्रकृति को जानने का मौका तो तब मिला जब एक बिच्छू ने हम पे नाराज़गी जताई। हम तो दोस्तों के साथ मशगूल थे, शायद ये उस बिच्छू को पसंद नहीं आया। अब वो किस्सा तो याद ही होगा आपको। अबे यार पीसीटी का अलग दबाव पड़ना पड़ा है, अबे क्या हो जाएगा, अबे जीरो मिल जाएगा उल्का। देखो भाई अपनी लाइफ का बस एक ही फंडा है, अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में बस अंडा है। अबे सही कहा बिल्कुल यार। अबे कुछ काटा। अबे बिच्छू है। अरे भाई को होश आ गया, भाई को होश आ गया, भाई को होश आ गया। अरे है बड़ी नाजुक हालत है यार तेरी। भाई तू ठीक है ना? अश्वत्थामा है अपन, कभी नहीं मरेगा। इतिहास गवाह है, जितने दिल शादी.com पे नहीं मिला करते उतने डीएच में मिलते हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गया था, डीएच। डीएच का मतलब होता है डिसेक्शन हॉल उर्फ दिल लगी हॉल। फर्स्ट ईयर की वो यादें कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होती हैं। कहते हैं बचपना वक्त के साथ खत्म हो जाता है, मगर एक किस्सा याद है मुझे जो अंदर छुपे उस बच्चे को जिंदा कर देता है। हाँ मैं बात कर रहा हूं हमारे सुंदरता अभियान की। शायद ही इतने बड़े पैमाने पर कोई योजना बनाई गई हो। हाँ वो बचपन ही तो था जवान दिलों के अंदर। अच्छा जानू रखता हूँ, कल मैंने रखा था आज तुम्हारी बारी। अरे रख दो, चल ठीक है, गुड नाइट, बाय। यार लाइफ सेट है साले की, बंदी भी पटा ली और एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया। बाबू सोना गुच्छू पानी भी चलता रहता है। अरे कोई नहीं, कब के तेरी भी पड़ जाएगी, बंदी चिंता ना कर। अबे घंटा, गर्लफ्रेंड बढ़ाने के लिए शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। 7 दिन बंदे इन, जो कि तेरे बस की बात नहीं है। यार तू टेंशन डाले, आज से तेरे लिए लड़की मैं दिलवाऊंगा, तेरे लिए लड़की पढ़वाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। यार अबे धर्मपाल बेटा, आज से तेरा सुंदरता अभियान चालू, ठीक है? We'll be right back.
प्रकाश लग रहा ना अपना भाई और टैक्सी। अबे यार फोन आया था यार, दिमाग का दही करके रख दिया। कह रहे थे 3 दिन बाद बायो कैम को पीसीटी है, पढ़ लो सालो ना मान ली जाएगी सबकी। पढ़ लेंगे यार। अरे ज्यादा से ज्यादा फेल ही तो होंगे। वो बात तो आप सभी जानते होंगे, भूखे पेट इंसान के गुस्से पे काबू नहीं होता, मगर गुस्सा कई बार भूखा रहने की वजह बन जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अबे ये क्या, ये पराठा? अगर अबकी बार तू इतना सा पराठा लाया ना तो ये पूरी उंगली ना तेरे अंदर डाल दूंगा। ओ ओ ओ क्या बोला क्या बोला, अभी सामान खींच के बाहर फेंकूंगा तेरी में, समझ आया मेरी बात? मगर ये लड़ाई हमें और ज्यादा करीब लाई। हाँ, एक दूसरे के संग मिलके खाना बनाना अब शायद ही नसीब हो। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, अब डर नहीं मन में आवे, चलो यार हाँ, चले चले हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चले चाय घाटी की दुकान तो है, वरना जिंदा रहने के लिए ना यहाँ कुछ नहीं है। अरे ये बात तो एकदम कंचा बोली है, इसी बात पे एक और घाटी लाओ। अरे प्रजापति एक घाटी और। ये किस्सा तो हमारी पहली दिलेरी का है। वैसे हमारी दिलेरी के चर्चे तो हर कोने में हैं, मगर वो किस्सा जब हम पहली बार एक साथ हुए थे और हमारी किताबों ने हड़ताल कर दी थी, वो कैसे कोई भूल सकता है। बीकेम 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 साला कितना बीकेम पढ़े। अबे यार बीकेम छोड़ो, पत्ते खेलते हैं। ऐलान करवा दो, बीकेम कोई नहीं पढ़ेगा, सबकी किताबें रखवा लो। यार अब मैं क्या कहूँ, फर्स्ट ईयर के वो दिन भी क्या दिन थे। एक अंडरवियर लेने के लिए भी साला आजमगढ़ जाना होता था, मगर मजा तो तब आता था जब जाना किसी एक को होता था और जाता पूरा हॉस्टल था। रास्ते में मस्ती करते करते कब मंजिल पे पहुंच जाते थे पता भी नहीं चलता था। अब मुझे आजमगढ़ जाना है, सब लोग सुना देंगे अपनी अपनी लिस्ट, दसियों दे देंगे कार्ड। अरे यार एक चड्डी लेने जा रहा हूँ, लानी पड़ेगी मुझे पूरी मार्केट यार। अरे सुनो सुनो, भवरनाथ आजमगढ़ जा रहा है। अरे मेरा भाई, मेरा भाई। अरे भवरनाथ आजमगढ़ जा रहा है, किसी को कुछ मंगाना हो मंगा लो। अरे भाई 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 भाई, भवरनाथ आजमगढ़ जा रहा है, किसी को कुछ मंगाना हो मंगा लो। अरे भाई 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 भाई,
बस इतना सही कर लो ना यार, गलती कर ये बता के यार। मेडिकल लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो शायद हर एक मेडिको का हक होता है। वैसे भी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ से एस्केप कौन नहीं चाहता। तो ऐसी घड़ी में हमारी जिंदगी बचाता है मास बंक, और इस कॉलेज में इसकी शुरुआत भी हमने ही की थी। बहुत दिनों के बाद वो मिलने आ रही है। बंक मार देते हैं यार, कब सो गई है। बंक मार देते हैं मेरे फूफा के चाची के ताऊ के भतीजे के कुत्ते को, डायबिटीज है। बंक मार देते हैं। ए सब मोमाया यार, ये कहां चक्कर में फंस रहे। बंक मार देते हैं। तेरी भाभी को कॉल आ रहा है। बंक मार देते हैं यार, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। बंक मार देते हैं। अब बारी आई असली इम्तिहान की। वैसे तो ये पूरा साल ही खतरे और रोमांच से भरा हुआ था, मगर असली डर तो फर्स्ट प्रोफेशनल के साथ ही शुरू हुआ था। अब साल भर पढ़ाई तो की नहीं थी, आइए देखते हैं अब क्या होगा। अबे पहले दिन भी तू ये शेरवानी पहन के आया था और आज भी तू ये शेरवानी पहन के आया है। भाई मुझे तो उम्मीद है कल प्रॉफिट, कल भी तू ये शेरवानी पहनेगा। कहां से लिया तूने भाई ये, पूरी जिंदगी इसी शेरवानी को पहनेगा तू। ए छोरे तने पता से ये मेरी लक्की शेरवानी से, तने पता है मेरी सिर्फ एमडी बीसी में पास करा है और प्रॉफ बीसी में पास करूंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। बेओ शेरवानी छोड़े, हड्डी एक्सप्लेन कर। अब आई एग्जाम की घड़ी। बजरंग बली का आशीर्वाद लेके हम जंग पे निकल पड़े थे। एग्जामिनर की तेज निगाहों से जैसे तैसे बचते बचाते चीटिंग करके हम निकल ही गए। ये क्या है? सर भाई इतने ही जानते हैं इसके बारे में। हाँ कैसे? सॉरी सर। सामने आओ। उठाओ फोन। इन्हें डालो तो पोजीशन बताओ इसकी। सर इट इज अ लॉन्ग बोन एंड फाउंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके और कुछ? सर इट इज हैविंग अ होल व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम नेकेड आई। पर क्या हो बेटा, इसमें देखो क्या दिख रहा है। अरे इसमें तो सर मेरा जौनपुर दिख रहा है सर। अच्छा जौनपुर दिख रहा है, निकल जाओ जौनपुर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। Now, star, 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 get ready for the show.
कहाँ से हो रहा? सर लखनऊ। लखनऊ से? कोई फोन उठा रहा है? सर दिस इज यूमरस। This is your very good, very good. रख दो से। ये बताओ इसके बारे में कुछ। Sir, this is stevia. It is a part of lower. बस 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 ठीक है, very good, बहुत अच्छा। Sir, मुझे बता दें थोड़ा सा। नहीं नहीं ठीक है, बस हो गया हो गया। अरे ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है जाओ, तुम्हारा बाबा बहुत अच्छा हो, जाओ। Thank you sir. क्या हुआ? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मुझे कुछ आया ही नहीं। यार सच कहूं तो जिंदगी में इतना पछतावा कभी नहीं हुआ था। एक साल में कुछ बदला या ना बदला था, किसे पता था कि क्लास की लड़कियों को देख के बहुत कुछ बदलने वाला था। तो बंद करो अंकल। यार कॉलेज के 5 साल कंप्लीट किए, कुछ पता नहीं चला। हाँ यार, तुम यहाँ आए थे ना तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। जब रात में बात करने फोन जितने निकलते थे यार, पूरी रात फोन पे लगा रहता। अरे लगा भी क्यों ना हो, पहला कपल जो लगी है इसी का। अबे तू चुप कर, तुझे याद है जब उसकी अटेंडेंस होती थी तो तू पीछे मुड़ मुड़ के मुस्कुराया करता था। अरे वो छोड़, तुझे 26 जनवरी को फंक्शन याद है भाई? सबसे बढ़िया फंक्शन हुआ था। अरे आर्या सर के साथ में तो हमारी लास्ट मेमोरी थी। अरे रफ्तार सिंह, तुझे याद है जब भाई मोदी पहला टीवी आया था? अरे केजरीवाल सारा चोरी में तो एक हफ्ते में हो गया था। अरे मैंने तो कहा ही था उसे भजन चला दो। ओह चोर कौन सा, राम जी का वक्ता तो तेरे भजन चलाने से ना रुकता। अरे तू चुप कर, तुझे अपना फेस्ट याद है? अपने कॉलेज का पहला फेस्ट था, जब ना तो यहाँ नेटवर्क आते थे और ना बाहर दुकानें हुआ करती थी। वे पूरा ग्राउंड भी तो हमने बनवाया था। अबे उसके बीच 8 दिन के लिए मेस भी तो बंद हो गई थी। अबे याद है स्ट्रेचर पे खाना लाया करता था मैं। अरे हड्डियों को पता है कैसे जुगाड़ किया था? अबे चुप कर, राज है यार। सच कहो तो इस कॉलेज से जाने का मन नहीं करता। कमरे ये दोस्त सेंटी मत कर। अरे यार चलो चाय पीने चलो। चाय पी यार सच कहूँ तो आज 5 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कल ही तो काउंसलिंग हॉल से निकले थे। माँ कितनी खुश थी, पापा का नाम कितना रोशन किया था। यार हंसते लड़ते कब दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बातें तो रहेंगी मेरे साथ। मेरा 13 बैच यार तुम सबकी बहुत याद आएगी। यार अब कौन रात को साथ जागेगा? यार अब कौन साथ में पत्ते खेलेगा? यार अब कौन प्रजापति की चाय की टपरी में महफिल जमाएगा? यार अब कौन यादव के गुलाब जामुन खाएगा? यार अब कौन मेरे पैक बनाएगा जब मैं उदास रहूँगा? यार अब कौन हंसाएगा जब मैं रोऊँगा? यार अब कौन खाना संग मिलके पकाएगा? यार अब जो तुम सब बिछड़ रहे हो मुझसे तो यार वादा करो आंसू कोई निभाएगा। यार अब जो तुम सब बिछड़ रहे हो तो ये भी बता दो फिर कब हम सब साथ होंगे? यार ये बिछड़ना भी तो नहीं अगर हाथों में तुम सब यारों का हाथ होगा। यार सच कहूँ खुदा से एक बात पूछनी थी, ये जो बेबस सा हूँ मैं यादों की गिरफ्त में, जाने से डरता हूँ मैं बस, बात इतनी सी थी।
MBBS batch 2013 of this college, being the final batch, has set the ground for every achievement this college has witnessed. They have seen evolve GMC Azamgarh, and they have played big role in making what GMC Azamgarh is today. I have seen they have been hardworking. I appreciate their hardships. I appreciate their dedication and their determination. I wish them all the best in the field of medical science.